अगर आप ये बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हो तो ये बिजनेस फ्यूचर में भी काफ़ी ब्राइट है। ये बिजनेस में गवर्नमेंट भी हमें काफ़ी सपोर्ट कर रही है। मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट पे हम ये सब प्रोडक्ट बना के हम उसका काफ़ी अच्छा बिजनेस कवर कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी बिजनेस के लिए जानकारी चाहिए तो आप IID का संपर्क कर सकते हो और IID आपको पूरा हेल्प भी करेगा। इंडिया वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट सोलर मार्केट बन गया है। गवर्नमेंट भी अपनी कई स्कीम से सोलर इंडस्ट्री को प्रमोट कर रही है। इंडिया ने 2023 में 70,000 मेगावाट से ज्यादा सोलर एनर्जी प्रोडक्शन कैपेसिटी अचीव की है। सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है सोलर पैनल्स का। PV सोलर पैनल्स सनलाइट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, जिसका यूज रेजिडेंशियल और कमर्शियल बिल्डिंग्स में किया जाता है, जैसे मेट्रो, रेलवेज, स्ट्रीट लाइट, ऑफिस, घर, इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा। ये न केवल इको फ्रेंडली है बल्कि कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है। इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आज आपको बताएगा कि कैसे आप सोलर पैनल असेंबली बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हमारे चैनल एंटरप्रेन्योर इंडिया TV को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। तो चलिए समझते हैं PV सोलर पैनल बनाने के प्रोसेस के बारे में। मेरा नाम जिग्नेश बाजवाला है। मैं जनरल मैनेजर की पोजीशन पे हूँ सनोरा सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, जो सूरत गुजरात में लोकेटेड है। हम PV सोलर मॉड्यूल्स बनाते हैं जो रिन्यूएबल सेक्टर में काफ़ी इम्प्रेसिव और काफ़ी नॉन पॉल्यूटेड प्रोडक्ट है। सबसे पहले सोलर सेल को उसकी साइज़ के अकॉर्डिंग कटिंग किया जाता है। उसके बाद सोलर सेल को एक स्ट्रिंगर मशीन कर कहते हैं उसको। स्ट्रिंगर मशीन में सोलर सेल और एक कॉपर रिबिन आता है, उससे सीरीज कनेक्शन बनता है। सोलर सेल का रॉबर्ट के थ्रू टेस्टिंग होता है। टेस्टिंग में अगर सोलर सेल में कोई डिफेक्ट होता है तो रॉबर्ट उसको रिजेक्ट में रख देता है। ओके होता है तो भी वो आगे के प्रोसेस में जाता है। आगे के प्रोसेस में सोलर सेल और रिबन एक दूसरे के साथ IR इंफ्रारेड सोल्डरिंग एयर थ्रू सोल्डरिंग होता है। सोल्डरिंग होने के बाद पूरा एक उसका स्ट्रिंग सीरीज कनेक्शन का स्ट्रिंग बनता है। वो स्ट्रिंग विजुअली चेक होता है बाय द मैन पावर। वो विजुअल चेक होता है, अगर उसमें कोई डिफेक्ट रहती है तो मैन पावर उसको रिजेक्ट कर देता है और ओके होता है तो वो आगे प्रोसेस में जाता है। आगे की प्रोसेस में एक गेंट्री होता है जहाँ पे स्ट्रिंग का पूरा अलाइनमेंट होता है। ग्लास और EVA रख के उसके ऊपर अलाइनमेंट करते हैं। वो अलाइनमेंट सीरीज कनेक्शन थ्रू डिसाइड होता है। वो अलाइनमेंट वाला पोर्शन गेंट्री के थ्रू होने के बाद उसको आगे मैनुअल पे सोल्डरिंग के लिए सीरीज कनेक्शन को कंप्लीट के लिए आगे चला जाता है। वहाँ पे मैन पावर सीरीज कनेक्शन पूरा कनेक्शन कंप्लीट करते और हमारे को पॉजिटिव और नेगेटिव कनेक्शन बाहर निकाल के दे देते। वो सीरीज कनेक्शन कम्प्लीटली ओके बनाए कि नहीं है, वो एक EL मशीन बोलते हैं, जो वन टाइप ऑफ एक्सरे मशीन है, उसके थ्रू हम चेक करते हैं। वहाँ पे हम पूरा क्वालिटी पैरामीटर चेक करते हैं। वो सीरीज कनेक्शन ओके होने के बाद ही हम उसको आगे लैमिनेशन प्रोसेस में जाने देते हैं। लैमिनेशन प्रोसेस बेसिकली होता है हीटिंग और वैक्यूमिंग प्रोसेस रहता है। वो हीटिंग और वैक्यूमिंग प्रोसेस अप्रॉक्स 15-20 मिनट का रहता है। वो बेसिकली सोलर का जो 25 ईयर्स का गारंटी है वो हमें इंश्योरिटी देता है। वो लैमिनेशन प्रोसेस जो भी होता है वो कंप्लीट होने के बाद जो भी प्रोडक्ट है वो बाहर निकलती है। वो प्रोडक्ट थोड़ी टाइम के लिए कूलिंग करते हैं 10-15 मिनट के लिए। वो कूलिंग होने के बाद उसका आउटर जो सरफेस है वो हम उसको रिमूव कर देते हैं, उसको ट्रिमिंग प्रोसेस बोलते हैं। वो ट्रिमिंग प्रोसेस होने के बाद फ्रेम लगती है, जबकि फ्रेम के लिए एल्यूमिनियम यूज होता है। वो एल्यूमिनियम सीलेंट के थ्रू प्रीफिल हम कर देते हैं और उसको एल्यूमिनियम को मशीन के साथ सोलर पैनल दोनों को असेंबली कर देते हैं। और पूरा असेंबली होने के बाद एल्यूमिनियम वाला जो सोलर मॉड्यूल होते हैं उसको हम JV फिक्सिंग कर देते हैं। जंक्शन बॉक्स फिक्सिंग बेसिकली आपको IP67 होता है, जो वाटरप्रूफ रहता है, वीडरप्रूफ रहता है और आपको पॉजिटिव और नेगेटिव एक दो कनेक्शन बाहर निकाल के देते हैं। पूरा ये जो असेंबली प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद उसको क्लीनिंग करते हैं। क्लीनिंग के बाद पूरा मॉड्यूल को हम टेस्टिंग के लिए ले जाते हैं। टेस्टिंग में बेसिकली होता है कि हम जो टेस्टिंग करते हैं वो एक्चुअल जो सनलाइट होती है उसका अकॉर्डिंग लाइट हम फ्लो करके मॉड्यूल का टेस्टिंग करते हैं कि वो एक्चुअल वही आउटपुट दे रहा है कि नहीं जो हम फील्ड में यूज़ करने वाले हैं। वो एंश्योरिटी होने के बाद उसको हम हाइपोटेस्ट करते हैं।
हाइपोटेज बेसिकली सेफ्टी के लिए यूज होता है कि अगर सोलर पैनल कहीं इंटरनल सर्किट बाहर का फ्रेम के साथ शॉर्ट है या नहीं है वो हम इंश्योर करते हैं, क्योंकि अगर वो शॉर्ट रहता है तो सेफ्टी के लिए हार्मफुल रहता है, इसीलिए हम उसको इंश्योर होते हैं। वो इंश्योरिटी कंप्लीट होने के बाद हम वो मॉड्यूल को मार्केट में सप्लाई करते हैं। पीवी सोलर बनाने में यूज होने वाले रॉ मटेरियल्स हैं सोलर सेल्स, सोलर ग्लासेस, ईवीए शीट यानी एथिलीन विनाइल एसिटेट, बैकशीट, कॉपर रिबन्स एंड बस बार्स, सीलेंट, एल्यूमिनियम फ्रेम और जंक्शन बॉक्स। पीवी सोलर बनाने में यूज होने वाली मशीन्स एंड इक्विपमेंट है स्ट्रिंगर मशीन, लैमिनेटर मशीन, सोल्डरिंग मशीन, सन स्टिमुलेटर, टेस्टिंग मशीन और ईएल मशीन। इस वीडियो में दिखाए गए प्लांट के अकॉर्डिंग पीवी सोलर पैनल असेंबली बिजनेस में लगभग 30,000 स्क्वायर मीटर एरिया की रिक्वायरमेंट होगी। पीवी सोलर पैनल के लिए रिक्वायर्ड मैन पावर में 60 से 70 लोगों की जरूरत होती है, जिसमें स्किल्ड, अनस्किल्ड, सुपरवाइजर, हेल्पर, अकाउंटेंट, मैनेजर्स, प्लांट हेड्स और टेक्नीशियन इन्वॉल्व्ड है। पीवी सोलर पैनल इंडस्ट्री को रन करने के लिए आपको 150 से 200 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होगी। इस वीडियो में दिखाए गए प्लांट के अकॉर्डिंग पीवी सोलर पैनल असेंबली बिजनेस शुरू करने के लिए आपको लगभग 15 से 18 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट करनी होगी। रही बात प्रॉफिट की, तो इस बिजनेस से आप 10 से 12% तक का प्रॉफिट मार्जिन अर्न कर सकते हैं। पीवी सोलर पैनल बिजनेस को स्मॉल, मीडियम या लार्ज स्केल पर शुरू करने के लिए जो जरूरी जानकारी चाहिए वो वीडियो के अंत में प्रोजेक्ट कॉस्ट के जरिए आपको मिल जाएगी। पीवी सोलर पैनल असेंबली बिजनेस के लिए लाइसेंसेस और सरकारी परमिशन की भी जरूरत होती है, जो कुछ इस प्रकार है: जीएसटी रजिस्ट्रेशन, उद्यम, फैक्ट्री लाइसेंस, IEC सर्टिफिकेट, BIS सर्टिफिकेट, ISO सर्टिफिकेट और NOC फायर एंड पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ने आपको बताया कि कैसे आप पीवी सोलर असेंबली बिजनेस शुरू कर सकते हैं और इसे शुरू करने के लिए किन चीजों की रिक्वायरमेंट होगी। अगर आप भी पीवी सोलर पैनल असेंबली बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो IID से संपर्क करें और अपने मनचाहे बिजनेस मॉडल की जानकारी के लिए हमें कमेंट में बताएं। IID के हेल्पलाइन नंबर है 7408733333 और 7607655555, जहां आपको बिजनेस की जानकारी के साथ साथ बिजनेस शुरू करने में भी सपोर्ट दिया जाएगा। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग बिजनेस आइडियाज के लिए एंटरप्रेन्योर इंडिया टीवी को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें।